तो चलिए बच्चों, आज का जो लेक्चर है उससे स्टार्ट करते हैं। इनमें लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर्स बताया था, बताया क्या था मतलब स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने दो दो डिसऑर्डर का जिक्र किया था। पहला था बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी और दूसरा प्रोस्टेट कैंसर। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दैट वन ओनली, उसी से स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड थर्ड वाला जो डिजॉर्डर है उसे इम्पोटेंस कहते हैं, ठीक है। द थर्ड डिजॉर्डर इज इम्पोटेंस। ओके, इम्पोर्टेंस मीन्स व्हाट? इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये सेक्सुअल रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, सेक्स से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंस मतलब ये है दैट इनएबिलिटी टू होल्ड द इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है, लंबे समय तक पेनिस के इरेक्शन को होल्ड कर पाना, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। ओके, इट इज द इनएबिलिटी टू होल्ड द इरेक्शन ऑफ पेनिस फॉर लॉन्ग इनफ, ठीक है, लॉन्ग इनफ मतलब फॉर सम टाइम। ओके, ड्यूरिंग ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के दौरान, दैट इज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ओके, देयर आर सम ड्रग्स विच कैन हेल्प इन दिस केस। यहाँ पे कुछ ड्रग्स काम आते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था वायग्रा का मैंने नाम लिया था, ठीक है। तो जो वायग्रा होता है दे कैन बी यूज्ड फॉर क्यूरिंग दिस इम्पोटेंसी। ओके, ये वायग्रा जो है, ये जो मेडिसिन है, इसे यूज किया जाता है, ठीक है, टू क्योर दिस प्रॉब्लम। इट विल हेल्प इन दिस इम्पोटेंसी। ओके, टू क्योर दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को अगर ठीक करना है तो वायग्रा यूज होता है। ओके, सो ये तो रहा इम्पोर्टेंस के बारे में। नाउ द फोर्थ डिसऑर्डर, ठीक है, ये तो हो गया हमारा तीसरा नंबर। अब अगर हम चौथा नंबर का बात करें तो फोर्थ वाला जो डिसऑर्डर है दैट इज स्टेरिलिटी। यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेरिलिटी, ठीक है, इट इज फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का जो ऑपोजिट टर्म है उसे हम क्या कहेंगे, स्टेरिलिटी। ओके, सो एज आई टोल्ड यू दैट स्टेरिलिटी इज व्हाट, ये ऑपोजिट टर्म हुआ फर्टिलिटी का, ठीक है। सो अगर हम ये स्टेरिलिटी की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ, इनएबिलिटी ऑफ द स्पर्म टू फर्टिलाइज द ओवम, ठीक है, ये स्पर्म का इनएबिलिटी है जब वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाना, ठीक है। अगर स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं करता है देन इट इज कॉल्ड एज स्टेरिलिटी। अगर फर्टिलाइज कर देता है तो हम उसे क्या कहेंगे, फर्टिलिटी। सो व्हाट इज सेड, दिस स्टेरिलिटी मीन्स व्हाट, इनएबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज द ओवम, ठीक है। यहाँ पे जो स्पर्म है वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, ठीक है, इसका मतलब स्टेरिलिटी है। ओके, इनएबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज ओवम, सिंपल, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि स्टेरिलिटी का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो क्या है, फर्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ, फिफ्थ डिसऑर्डर इज इनग्विनल हर्निया। व्हेन आई गेव यू द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देयर आई टॉट यू अबाउट हर्निया, ठीक है, मैंने आपको इनग्विनल कैनल के बारे में बताया था, ठीक है, वहां पे हर्निया का भी मैंने जिक्र किया था। ओके, इनग्विनल हर्निया, आप लोग काइंडली लास्ट लेक्चर देखा करें, हर्निया ऑफ इनग्विनल, इनग्विनल कैनल, और यू कैन साइड से इनग्विनल हर्निया। ओके,
इसे आप इनग्विनल हर्निया कहिए या हर्निया ऑफ इनग्विनल। तो इसमें क्या होता है कि जो इनग्विनल टिश्यू के कटने या फटने से इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट स्क्रोटम में आ जाता है। ओके, ये इनग्विनल हर्निया में क्या होता है कि जब इनग्विनल टिश्यू के कटने या फटने से, ठीक है, जो इनग्विनल टिश्यू है, वन सेकेंड, ये जो इनग्विनल टिश्यू है, मैंने आपको बताया था इनग्विनल कैनल इज व्हाट, इनग्विनल कैनल इज द कनेक्शन बिटवीन स्क्रोटम एंड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। जैसे ये एब्डोमिनल कैविटी हुआ और ये स्क्रोटम हुआ, ठीक है, ये स्क्रोटम है, तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, इनग्विनल कैनल कहते हैं, ठीक है, इनग्विनल कैनल कहेंगे। अगर ये इनग्विनल कैनल में कुछ टिश्यू या इसका जो टिश्यू है वो फट गया या कट गया तो फिर क्या होता है, इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन कहाँ चला आता है, इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन आ जाएगा इस ये स्क्रोटम में, ठीक है, समझ में आया बात। तो इसी को हर्निया कहते हैं, अंडरस्टूड बच्चों, ये इनग्विनल हर्निया, देखिए इसमें पेन होता है काफी, ठीक है, यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ, इनग्विनल टिश्यू के फटने या कटने से इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट कहाँ चला आता है, स्क्रोटम में चला आता है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज इनग्विनल हर्निया। ओके, नाउ द फाइनल वन, द लास्ट डिसऑर्डर, ऐसा हम कहते और भी है लेकिन जो हमें जानना चाहिए, जो लास्ट डिसऑर्डर या सिक्स नंबर हम कहें तो वो है एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मैन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में ADAM के नाम से जानते हैं, ठीक है, एडम, दैट इज एड्रिनल, सॉरी नॉट एड्रिनल, इट इज एंड्रोजन, एंड्रोजन इज द सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी इन एजिंग मैन, जिसका एज बढ़ रहा है, ठीक है, एजिंग मैन, ओके, दिस इज द फुल फॉर्म, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मैन, दैट इज एडम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इसे और क्या कह सकते हैं, दिस एडम इज आल्सो कॉल्ड एज एंड्रोपॉज, ठीक है, एंड्रोपॉज, पॉज मींस रुकना, ठीक है, स्टॉपिंग, और एक नाम है इसका मेल मेनोपॉज, फीमेल में जो मेनोपॉज होता है, ठीक है, मेनोपॉज के बाद फीमेल विल नॉट गेट फर्टाइल, ठीक है, फर्टिलाइज नहीं हो पाता उसमें, तो यहाँ पे मेल मेनोपॉज, ओके, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजेन, ठीक है, ड्यू टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेन दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, ओके, ये क्यों होता है एंड्रोपॉज, तो मैं अभी बताया आपको, इट ऑकर्स ड्यू टू reduce or no production of androgen, and the main androgen, you know which is the main androgen, it is testosterone, which is produced by the Leydig cell, okay, in the seminiferous tubule, okay, so unlike female menopause there is no specific age for male. Female में क्या होता है कि menopause का age होता है that is around 49, ठीक है, और somewhat 50. But male में andropause का कोई specific age नहीं है. Okay, बस aging man लिख दिया मतलब 50 के ऊपर या कभी भी हो सकता है. Okay, no specific age for this andropause. No specific age. Okay, understood? Now. ओके, नाउ द सेवन डिसऑर्डर, अब अगर सातवें डिसऑर्डर का बात करें, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, द सेवन डिसऑर्डर इज क्रिप्टोकाइडिज्म, और ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुका है इसके बारे में, ठीक है, क्रिप्टोकाइडिज्म क्या है, हिडन टेस्टिस, दैट इज यहाँ पे नॉन डिसेंडेंट्स ऑफ टेस्टिस, यहाँ पे टेस्टिस क्या होता है, स्क्रोटम में नहीं आ पाता, कहाँ रह जाता है, तो एब्डोमिनल कैनल में ही रह जाएगा, सॉरी एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है, ठीक है, नॉन डिसेंडेंट्स ऑफ टेस्टिस इन द स्क्रोटम, ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले क्लास में बताया था आप लोग को, kindly go through the lecture, okay, and it will also lead to
इनफर्टिलिटी, ये भी क्या लीड करता है, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, द स्पर्म विल नॉट बी फर्टाइल, इनफर्टिलिटी कॉज करेगा. ओके नाउ नेक्स्ट इज द फाइनल वन, एट नंबर इज हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल. ओके इट इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, यूजुअली इन द ट्यूनिका वैजिनलिस ऑफ द टेस्टिस. तो ट्यूनिका वैजिनलिस क्या है, आप लोग को पता है, ट्यूनिका वैजिनलिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस. यस इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, जिसका मैंने कितना बोला था, कितना लेयर्स बताया था मैंने इसका, टेस्टिस का थ्री लेयर्स हमने. वन मिनट, आई नो दैट स्क्रीन चला गया. यस यस इट विल कम, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया ना, ठीक है. नाउ हेलो, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, टेंशन मतलब आ जाएगा, ठीक है, नेटवर्क ही है, अप डाउन होते रहता है, ठीक है, नेवर माइंड, आ जाएगा. हाइड्रोसिल, तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को, जो टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर कवरिंग होता है, ठीक है, आउटर कवरिंग है, इसको क्या बोलते थे हम, ट्यूनिका वैजिनलिस. इसके अंदर जो आएगा उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, और सबसे अंदर का जो है उसको मैंने क्या कहा था, जल्दी बोलो, ट्यूनिका वास्कुलोसा. ओके चलो ठीक है. अब ट्यूनिका वैजिनलिस जो है इसका मैंने दो लेयर बताया था, मीन्स दो पार्ट बताया था, एक क्या था, जल्दी जल्दी जल्दी, एक पेराइटल और दूसरा विसरल. वेरी गुड. तो इन दोनों के बीच में अगर फ्लूइड जमा हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोसिल. अंडरस्टूड? तो सिंपल सा है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड या डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड. ओके वेयर इन ट्यूनिका वैजिनलिस. ओके ट्यूनिका वैजिनलिस ऑफ टेस्टिस. Understood. So this is all about the disorders of male reproductive system. Okay. Now the last portion, that is the male sex act. ठीक है? एक जो portion बच गया है, उससे भी यहीं पे खत्म कर देते हैं male reproductive system से related. ठीक है? Male sex act. तो यहाँ पे तीन phases involved हैं. जो sex act है, ठीक है? Male sex act. ओके इन दिस एक्ट देयर आर हाउ मेनी फेजेस, थ्री फेजेस, तीन फेज होंगे यहां पे. पहला क्या है, तो फर्स्ट इज द इरेक्शन, सबसे पहला है इरेक्शन. आप लोग को मैंने ऑलरेडी बता दिया है इरेक्शन के बारे में, कैसे इरेक्शन होता है, सारा प्रोसेस बताया हुआ है, ठीक है. सेकेंड इज द कॉपुलेशन, दैट इज द इंटरकोर्स, कॉपुलेशन. ओके मैं बार बार कह रहा हूं, कॉपुलेशन का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स. ओके एंड द फाइनल वन इज द सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन, फिर से इरेक्शन का सबसाइड होना, सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन. ओके तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये जो इरेक्शन है, इरेक्शन ऑफ पेनिस इज कॉज्ड बाय व्हाट, इरेक्शन ऑफ पेनिस इज कॉज्ड बाय द रश ऑफ ब्लड. मैंने ऑलरेडी आपको ये सब बता दिया है, रश ऑफ ब्लड, ठीक है. कौन सा टिश्यूज में, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है, दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, ठीक है, जिसमें आर्टेरियोल्स होते हैं. ओके नाउ मैंने क्या कहा अभी, इरेक्शन ऑफ पेनिस इज कॉज्ड बाय द रश ऑफ आर्टेरियल ब्लड. अगर पूछा और डिस्टिंक्टली कि इरेक्शन किस ब्लड की वजह से होता, तो हम क्या कहेंगे, आर्टेरियल ब्लड. आवर आंसर विल बी आर्टेरियल ब्लड, ठीक है, इनटू द एम्प्टी साइनसेस ऑफ द स्पॉन्जी टिश्यू. ओके ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है. नाउ द इरेक्शन मेक्स पेनिस लॉन्ग, इरेक्शन होगा तो पेनिस क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा. ओके द पेनिस विल बी लॉन्ग एंड एनलार्ज, पेनिस विल बी लॉन्ग एंड एनलार्ज, ये एनलार्ज हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, and stiff also, stiff also for entering the female
वेजाइना, ठीक है, फीमेल के वेजाइना में एंटर करने के लिए। उसके बाद क्या, कॉपुलेशन, कॉपुलेशन दैट इज द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स में कौन कौन हेल्प करेगा, डिफरेंट ग्लैंड्स विल हेल्प, म्यूकस जो सिक्रेट करता है, ठीक है, म्यूकस फ्रॉम द यूरेथल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड एंड द वेजाइनल ग्लैंड प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन फॉर द कॉपुलेशन, ठीक है। लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स प्रोवाइड कर रहा है, अंडरस्टूड। कौन कौन से ग्लैंड मैंने नाम लिए, यूरेथ्रल ग्लैंड, ओके, देन कम्स यूरेथ्रल ग्लैंड में क्या आ जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड एंड द वेजाइनल ग्लैंड्स, ओके। नाउ वन इजाकुलेट, एक इजाकुलेट में, ये मैं पॉइंट अलग से बता रहा हूं, इन वन इजाकुलेट, एक बार जो इजाकुलेशन होता है, ठीक है, इन वन इजाकुलेशन देयर विल बी 3 ml, ठीक है, अबाउट 3 ml होता है इजाकुलेट, एंड इट विल कॉन्टेन्स अबाउट 200 टू 400 मिलियंस। देखो कितना ज्यादा है, 200 टू 400 मिलियन मिलियन स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। एक इजाकुलेट जो होता है वो अबाउट 3 ml होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं, और इसमें कितना स्पर्मेटोजोआ होगा, तो 200 से 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होगा, इतना स्पर्मेटोजोआ होता है, और इसमें से सिर्फ एक ही होगा जो ओवम को फर्टिलाइज करेगा, ओके, ओनली वन विल बी देयर टू फर्टिलाइज द ओवम, ठीक है, एग। उसके बाद जो मैंने लास्ट बोला, एग वाज सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन, ओके, दैट इज आफ्टर इजाकुलेशन द आर्टेरियोल्स ऑफ द पेनिस gets contract, ठीक है, reducing the blood flow to the penis, ठीक है। अब ये contract हो जाएगा, जब जब ejaculation हो जाएगा, after ejaculation what will happen, ठीक है, जो arteriole है, ठीक है, penis में वो contract हो जाएगा, और उसके contract होने से क्या होगा कि penis में जो blood flow है वो कम हो जाएगा, okay, and the erection will subside, मतलब फिर से वो अपने normal position में आ जाएगा, but this subsidence of erection will take एटलीस्ट अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स, ये फ्यू मिनट टाइम लेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 to 3 minutes, ओके, ये थोड़ा टाइम लेता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल्स एक्ट, मेल सेक्स एक्ट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे 3 phases बताया गया है, पहला है इरेक्शन, दूसरा है कॉपुलेशन, और तीसरा है सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन, दैट इज द गेनिंग ऑफ नॉर्मल पोजीशन, ठीक है, या नॉर्मल स्टेट ऑफ द पेनिस, ठीक है। पहले इरेक्शन हो रहा है, इरेक्शन कब होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटेशन, तो जब सेक्सुअल एक्साइटेशन होता है तो मैंने बोला था कि वहां पे हार्मोन का रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, सेक्स हार्मोन रिलीज होगा, इससे क्या होगा कि ब्लड वेसल्स में ब्लड का रस होगा, आर्टेरियोल्स में, कहां पे, पेनिस में, पेनिस में क्या होता है तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, फिर वो इरेक्ट होगा, पेनिस लॉन्ग हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा और स्टिफ हो जाता है, सो दैट दे कैन एंटर इनसाइड द वजाइना ऑफ द फीमेल, ठीक है। देन द कॉपुलेशन विल ऑकर, कॉपुलेशन के लिए ल्यूब्रिकेशन चाहिए, ल्यूब्रिकेशन के लिए हमें ग्लैंड्स है हमारे पास, ठीक है, ये ग्लैंड्स कौन कौन सा, यूरेथ्रल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड एंड द वेजाइनल ग्लैंड, ठीक है, वेजाइनल ग्लैंड के बारे में मैंने बताऊंगा आप लोगों को आने वाले क्लास में, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने क्या कहा था, वन इजाकुलेट, ठीक है, वन इजाकुलेट, एक बार इजाकुलेशन हो तो वन इजाकुलेट हम उसे कह रहे हैं, उसमें सीमेन जो है अबाउट 3 ml रिलीज होता है, इस 3 ml में क्या होगा, 200 से 400 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं, और इसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म होगा जो जो फर्टाइल करेगा, मींस फर्टिलाइज करेगा, किसको, एक को, ठीक है। एंड उसके बाद जो फाइनल फेज है उसको बोले सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन, तो बच्चों सब्सिडेंस मतलब फिर से नॉर्मल पोजीशन गेन करना, तो नॉर्मल पोजीशन गेन करने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो आर्टरीज अभी इलोंगेट हुआ था उसको कॉन्ट्रैक्ट होना होगा, ठीक है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा पेनिस में, ठीक है, एंड इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। So, यहाँ पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म किया, मेल सेक्स एक्ट, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड, ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So, जैसा कि मैंने आप लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था,
कि उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी था, ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होगा, ठीक है। हियर ऑल्सो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गेन इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम, इन दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। सो द फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, and the secondary or accessory sex organ. Now each and every one is clear with this definition of primary sex organ and the secondary. मैं फिर से repeat कर दे रहा हूँ, जो primary sex organ होगा वो main sex organ कहलाता है और यहाँ पे gamete formation होता है, and the secondary sex organ or accessory sex organs are not involved in gamete formation but will take part in the process of reproduction, they will help in the process of reproduction, okay, but by different means. Now to jaisa ki male mein tha testis, so female mein kya hai, one pair of ovaries, theek hai, yahan pe ovaries honge and it is one pair, do, and these ovaries will produce what, steroid hormones and the female gamete. ye jo ovary hai ye kya produce karega, female gamete, that is ovum, and several steroid hormone. Okay, these steroid hormones are also called as ovarian hormone kyunki ovary mein produce ho raha hai, okay, aur ovum jaise maine bataya ye kya hai, to female gamete, male gamete is sperm, female gamete is ovum, okay, and gametes are what, haploid cells or you can say sex cells. Now this one, the secondary or accessory sex organ, ठीक है, तो secondary or accessory sex organ का बात करें तो female में क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो हमें दिखता है fallopian tubes, one pair of oviduct, ठीक है, one pair of oviduct, this oviduct is called as fallopian tube, ओके, इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं. नाउ अपार्ट फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब द अदर्स आर, फैलोपियन ट्यूब के अलावा यूटेरस, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल, जैसा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था, यूटेरस के बाद आ जाएगा सर्विक्स एंड वेजाइना, ओके, अंडरस्टूड. सो ये हो गया क्या, ये हो जाएगा सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गेन, ओके. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, अगर फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का बात करते हैं तो इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, देयर विल बी थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट इज इनफंडिबुलम, जो पहला पार्ट है वो है इनफंडिबुलम, सेकेंड इज एम्पुला, द डायलेटेड पोर्शन, एम्पुला का मतलब स्वॉलिंग पोर्शन और स्वॉलन पोर्शन, एंड द थर्ड इज इस्थमस. ओके, तो मैंने क्या क्या बोला, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम, ओके, आई विल शो यू विद डायग्राम, ठीक है, डायग्राम के साथ में दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं, जो इनफंडिबुलम होता है वो फनेल शेप्ड का होता है, ठीक है, इट इज फनेल शेप्ड, ठीक है, एंड विथ फिम्ब्री, यहाँ पे फिम्ब्री होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एंड दिस फिम्ब्री विल हेल्प इन कलेक्शन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म कलेक्शन में हेल्प करता है, कलेक्शन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म कलेक्शन में हेल्प करेगा. ओबाम,
सॉरी मैंने स्पर्म लिख दिया, इट विल हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम, वन सेकेंड ना, थैंक यू, इट विल हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम, वेरी गुड। तो ओवम कहां से आ रहा है, तो ये किसके कनेक्शन में होगा, जैसे ये हो गया ओवरी, तो ओवरी के साथ यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो ना, ये फिम्ब्री है, ये फिम्ब्री इसके साथ कनेक्टेड है, अटैच्ड है, ओवम के साथ ये अटैच्ड है फिम्ब्री, और ये फनल शेप्ड हुआ, ये फनल शेप इनफंडिबुलम है, समझ गए। अब ये इनफंडिबुलम ओपन होगा, देखो ये ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन में जा रहा है, ठीक है, मैं डायग्राम के साथ आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे एक एम्पुलरी रीजन होगा, ये एम्पुला, एम्पुला में ओपन होगा, एम्पुला फिर जाके स्टमस में आएगा, ठीक है, स्टमस के पास जाएगा। नाउ दिस एम्पुला इज व्हाट, इट इज अ डायलेटेड पोर्शन, ये डायलेटेड पोर्शन है, थोड़ा सा डायलेट होता है, ओके, दिस इज अ डायलेटेड पोर्शन, एंड दिस इस्थमस इज कनेक्टेड विथ व्हाट, इट इज कनेक्टेड विथ यूटेरस, ठीक है, ये जो इस्थमस है ये ज्वाइन होगा यूटेरस को, यूटेरस जॉय सॉरी इस्थमस जॉइन द यूटेरस, ये यूटेरस के साथ जॉइन होता है, ओके। नाउ दिस एम्पुला हैज इंपॉर्टेंस, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि जब यहाँ पे ओवम एक बार कलेक्ट होता है, तो कलेक्ट होने के बाद ये जो ओवम है यहाँ से ट्रेवल कर करके एम्पुलरी रीजन में जाता है, और एम्पुलरी रीजन में ही इसका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सो एम्पुला इज ऑल्सो द पोर्शन वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम ओवम टेक्स प्लेस, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ, यहीं पे फर्टिलाइजेशन भी होता है, ठीक है, द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विल टेक प्लेस इन एम्पुलरी रीजन, ठीक है, और वहां से धीरे धीरे मूव करके फिर इस्थमस से होते हुए कहां जाएगा, यूटरस में, और यूटरस में ही इम्प्लांटेशन होगा। अंडरस्टूड, रेस्ट ऑफ द पोर्शन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन।